विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की मनो शरीर यंत्र से संबंधित, मन से संबंधित बातों की पूछताछ करते। सेल्फ में जो अनुभव है उसकी पूछताछ करते हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाए और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। विश्व के लिए प्रार्थना करें। भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ सभी जीवों के लिए किरणें शब्दों में भेजें कि सबको समृद्धि मिले, स्वास्थ्य मिले, ज्ञान मिले, समाधि का अनुभव मिले। सभी इस अनुभव में स्वयं को जानना शुरू करें। जीते जी समाधि का अनुभव आत्म साक्षात्कार के लिए है। सारे मनुष्य यह अनुभव कर पाए, सभी में स्वयं को जानने की प्यास बढ़े। हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में हर मनुष्य में स्वयं को जानने की प्यास बढ़ रही है। आपकी कृपा से सभी आपके साथ तालमेल में आ रहे हैं। ईश्वर का अंश, ईश्वर के साथ एक होकर स्वयं को जाने और सारे डरों से मुक्त हो जाए। स्वयं को अलग मानकर डरों में रहकर लोग बीमारियों को आकर्षित करते हैं, ये सारी बीमारियां समाप्त हो जाए। सभी को स्वास्थ्य मिले। इस स्वास्थ्य में लोग अभिव्यक्ति करें कर्मों के द्वारा, सभी को मदद करके सेवा में रचनात्मक कार्य करके जीवन सहज बनाकर रचनात्मक कार्यों से लोगों का समय बचे और इस बचे हुए समय में लोग पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करें। इस बचे हुए समय में लोग स्वबोध में बैठें, ऐसा कर्म हर मनुष्य करे ताकि सबके लिए जीवन स्वर्ग समान पृथ्वी पर ही निर्माण हो। मरने के बाद लोग स्वर्ग में जाने की कल्पनाएं न करें। जीते जी स्वर्ग में कैसे रहा जाता है जहां संपूर्ण स्वास्थ्य है, संतुष्टि है, जहाँ पर प्रेम आनंद मौन है, भाईचारा है, ऐसा स्वर्ग
लोग अंदर भी महसूस करें, बाहर जगत में भी महसूस करें। ये संभव है शुभ्र प्रकाश में सब पर ये छा रहा है। यह शुभ इच्छा हर मनुष्य में बीज समान बोई जा रही है। हर जीव में जैसे आनंद की लहर है, हर मनुष्य में आनंद की लहरें उठें और इस आनंद में लोग एक दूसरे की मदद करें, दूसरों के दुख में अपनी जिम्मेदारी समझकर कार्य करें, जिससे जीवन आसान हो जाएगा, सभी के लिए आसान हो जाएगा। ईश्वर ने सब कुछ भरपूर बनाया है, सबके लिए बनाया है। कमी इंसान के अज्ञान से आ जाती है, लालसा की वजह से आ जाती है। इस कमी को पूरा किया जाए, इस लालसा को समाप्त किया जाए। अज्ञान समाप्त होते ही लालसा समाप्त हो जाएगी। स्वबोध के साथ डर समाप्त हो जाएंगे। संतुष्टि भरा जीवन बांटने में सबको सहयोग करेगा। सब मिल बांटकर खाएंगे तो किसी चीज की कमी नहीं है। सभी ये दुआ करें, सबके लिए सब उपलब्ध हो जाए। विश्व के किसी भी कोने में कोई हो, सब तक मदद पहुंचे, सब तक ज्ञान पहुंचे, सब तक सकारात्मक विचार प्रार्थना का बल पहुंचे। अपने शब्दों में इसी समझ को दोहराते रहें। भक्ति कर्म ज्ञान का उपयोग, तीनों का उपयोग समभाव में करें। पूरे विश्वास के साथ अपने तप का बल जीव कल्याण के लिए अर्पित करें। ध्यान और प्रार्थना का जो बल प्राप्त किया है, तपर्पण करें।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो तोड़कर समझाना बच्चों के लिए आवश्यक होता है। बच्चों को समझाना हो तो आप तोड़ तोड़ कर समझाते हो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, ए और बी आपको सिखानी है तो तोड़ तोड़ कर बताओगे। बाद में क्या पता चलेगा, ये सब जोड़कर हमें पंक्तियां बनानी है, ये जोड़कर सराहना करनी है ईश्वर की। सिखाया तोड़कर, अभिव्यक्ति हुई जोड़कर, तो ये कारण समझ में आना चाहिए पहले कि ये अनेक मार्ग कुछ लोगों के स्वभाव को देखते हुए बनाए गए। ये पर्सन ज़्यादा भक्ति में रह सकता है, ये ज़्यादा सोच सकता है, बुद्धि का इस्तेमाल करता है, तो ऐसा कर कर के दो मार्गों में चीज़ों को लाया गया, एक बंदर का मार्ग, एक बिल्ली का मार्ग। बंदर का मार्ग और बिल्ली का, बंदर अपने बच्चे को कैसे लेकर जाता है, बिल्ली अपने बच्चे को कैसे लेकर जाती है। बंदर का बच्चा अपनी ताकत से बंदर को पकड़कर बैठता है, माँ एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो बंदर को पकड़ के रखना पड़ता है, अगर उसकी पकड़ छूट गई गिर जाएगा। बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में पकड़कर ले जाती है। तो ये दो मार्ग है, यानी एक में है समर्पण, बच्चा समर्पित है, बिल्ली लेकर जाएगी उसे, वो समर्पित है, और एक में इंसान को अपनी ताकत लगानी होती है, संकल्प, वहां पर उसे इंटेंशन लेना पड़ता है, एक भावना लाकर कि ये मुझे करना है। इस तरह दो तरह के लोगों से शुरुआत होती है, फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि ये दो भी एक ही फिल्म के दो पार्ट हैं। ज्ञान आने के साथ संकल्प भी होता है, क्योंकि अब ईश्वर ही संकल्प करता है, ईश्वर ही जागृत होकर जागृत रहना चाहता है, तो इसलिए आगे तो ये जुड़ जाएंगे, मगर जब तक ये पूरी समझ नहीं आई तब तक पर्सन को अलग अलग मार्ग देकर काम करवाया जाता है। तो समर्पण के मार्ग में हर क्रिया समर्पित करते हुए इंसान कार्य करता है, और संकल्प के मार्ग पर वो इंक्वायरी करता है, सेल्फ इंक्वायरी, अपनी पूछताछ, ये है स्व ज्ञान की विधि, अपनी पूछताछ करना। इस स्व ज्ञान की विधि में दो पूछताछ करनी है, दो सेल्फ इंक्वायरी, एक में मनो शरीर यंत्र की इंक्वायरी, एक में स्व की इंक्वायरी, अपनी पूछताछ, स्व की पूछताछ, और एक है शरीर की। इन दोनों में लोगों को भ्रम हो जाता है, उसको एक ही मान लेते हैं, मगर इनमें फर्क समझ लेना। मनो शरीर यंत्र से संबंधित, मन से संबंधित बातों की पूछताछ करते, सेल्फ में जो अनुभव है उसकी पूछताछ करते हैं। दोनों में फर्क जब नहीं बताया गया तो लोग शरीर की पूछताछ करते और वो कहते हैं कि मैं अपनी पूछताछ करता हूं, गलती हो जाती। तो इन दोनों को अच्छे ढंग से समझना, ये मिसिंग लिंक है, छूटी हुई कड़ी, लुप्त कड़ी, लोग भूल जाते हैं फिर उसकी रिजल्ट आना बंद होती है। मनो शरीर यंत्र की पूछताछ भी करनी है और सेल्फ की भी पूछताछ करनी है। जासूस बनना है आपको अपना, जिस इंसान की याददाश्त खो जाती है तो वो अपनी पूछताछ शुरू करता, मैं कहाँ रहता था, उन जगहों पर जाता है, वो अपनी इंक्वायरी कर रहा है, याददाश्त खो गई ना, मैं कौन हूं जानने के लिए वो इंक्वायरी करता है।
प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।